जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसे कि वीकली जो करंट अफेयर्स का क्लास चलता है, जिसके अंतर्गत एक सप्ताह की घटनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के जो पिछले एक वीक्स के हैं। तो आइए जो है लेट न करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC, द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ इंसेप्शन रिसेंटली। संसद की लोक लेखा समिति ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए दिया है 50 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 60 वर्ष, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 100 ईयर्स। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का 100 वर्ष 100 ईयर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। PAC से संबंधित कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी या PAC के बारे में अगर आप आएंगे तो PAC में जो मेंबर होते हैं टोटल मेंबर इसमें होते हैं कुल सदस्य 22, 22 सदस्य जो है PAC में होते हैं। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो 15 सदस्य या 15 मेंबर कहाँ से होते हैं, तो लोकसभा से, और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। इस प्रकार 15 और 7 मिलके 22 मेंबर टोटल PAC में होते हैं। उसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वह अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो अपोजिशन का क्या होता है, नेता होता है। ये परंपरा एक ट्रेंड चले आ रहा है कि हमेशा से PAC का चेयरमैन कौन बनता है, तो जो अपोजिशन का नेता होता है, विपक्ष का नेता, जिसको पार्लियामेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है, वही जो है PAC का चेयरमैन होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य ये है कि यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बजट संबंधी मामलों में एडवाइस करना, उसके अलावा कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा जो ऑडिट से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, उन रिपोर्टों को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के माध्यम से रखवाना, जिससे उस रिपोर्ट पे डिस्कशन डिबेट हो सके। ये सारा का सारा कार्य जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा किया जाता है, और ये कमेटी एक परमानेंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है व्हेन इज द वर्ल्ड सॉयल डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, हर साल विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल विश्व मृदा दिवस जो है, ऑप्शन में ए 3 दिसंबर, ऑप्शन में बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो अगर आप आएंगे तो 5 दिसंबर को हर वर्ष वर्ल्ड सॉयल डे या विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस दिवस में स्पेशली इसको जो है मृदा दिवस इसलिए डिक्लेयर किया गया है कि इस दिन जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, वो मृदा से संदर्भ में बात किए जाते हैं,
उसकी फर्टिलिटी से संबंधित बातें की जाती हैं, किस तरीके से उसके फर्टिलिटी को मेंटेन किया जा सके या किस तरीके से उसकी फर्टिलिटी बनी रहे जिससे जो है प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन होगा 5 दिसंबर, जिसको वर्ल्ड सॉयल डे के रूप में मनाया जाता है। चूंकि दिसंबर का महीना चल रहा है तो रिसेंटली ये जो है अभी बीता है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉयल डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, उसके अलावा जैसे अगर आप आएंगे तो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पॉलिटी का पब्लिक अकाउंट कमेटी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो यूपीएससी क्या करता है, जनरली ऐसे पुराने या परंपरागत क्वेश्चन को पूछता है जो करंट में बने रहते हैं। तो करंट में पब्लिक अकाउंट कमेटी का 100 ईयर कंप्लीट हुआ है, तो इस सेंस में यह टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसने 100 ईयर्स क्या किया है, कंप्लीट किया है अपने स्थापना का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर आप आएंगे तो कह रहा है विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2021, किस देश ने 2021 में डेविस कप का खिताब जीता। ए स्पेन, बी रसिया, सी क्रोएशिया, डी सर्बिया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो रसिया ने जो है क्या है डेविस कप जीता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच सिटी प्लेड होस्ट टू द फर्स्ट एवर इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग, किस शहर ने पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की। ऑप्शन ए है मास्को, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये 2+2 जो इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग का होस्ट करने वाला जो शहर था वो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में क्या किया गया, इसको होस्ट किया गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बेसिकली इस डायलॉग के अंतर्गत इंडिया रसिया अपने रिलेशंस को, वो बायलेटरल रिलेशंस के अंतर्गत, चाहे वो सोशल रिलेशन हो या ट्रेड या व्यापार या इकोनॉमिक रिलेशन हो, उसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशन हो, मिलिट्री रिलेशन हो, इन सभी रिलेशंस को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये होस्ट किसने किया, न्यू दिल्ली ने किया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चॉकलेट बॉर्डर्ड फिल्टर विच वाज सीन इन द न्यूज इज अ रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पेसीज चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर, जो खबरों में रहा, हाल ही में खोजी गई एक प्रजाति है। तो किसकी प्रजाति है, स्नेक सांप, बी बटरफ्लाई तितली, सी टॉर्टॉइज कछुआ, डी स्पाइडर। तो ये पूछ रहा है कि जो ये प्रजाति स्पेसीज खोजी गई है, डिस्कवर किया गया है, यह स्पेसीज या प्रजाति यह जो है किससे संबंधित है, किसकी प्रजाति से संबंधित है। तो बटरफ्लाई तितली से क्या है संबंधित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा, जो किससे संबंधित है, तितली या बटरफ्लाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एजाज पटेल हु रिसेंटली क्लिंच्ड 10 विकेट इन एन इनिंग्स इज अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री। कह रहा है कि एजाज पटेल जिन्होंने हाल ही में 10 विकेट लिया एक पारी में, और वो किस कंट्री से हैं। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। तो अभी रिसेंटली इंडिया और
न्यूजीलैंड का टेस्ट कंप्लीट हुआ है, उस सेकेंड टेस्ट में एजाज पटेल के द्वारा एक पारी में 10 के 10 विकेट लिए गए जो न्यूजीलैंड के थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोन्याक्स हु वेयर इन द न्यूज रिसेंटली और द लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। कोन्याक्स एक जो है क्या है, ट्राइब्स है, एक जनजाति है जो रिसेंटली न्यूज में था, हाल ही में न्यूज में उनके बारे में चर्चा हुआ है। तो पूछ रहा है वह किस स्टेट के हैं, कोन्याक्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, उस स्टेट का सबसे बड़ा ट्राइब्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो कोन्याक्स जो एक ट्राइब्स है वह आपको नागालैंड में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, नागालैंड में, जो हाल ही में अभी चर्चा में था, जो न्यूज में आपको दिखाई दिया। तो इससे करंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज संध्यक विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी। संध्यक क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए सर्वे विजल या सर्वेक्षण पोत, ऑप्शन बी मिसाइल लॉन्च व्हीकल या मिसाइल प्रक्षेपित व्हीकल, ऑप्शन सी एम्फीबियस वारफेयरशिप या उभयचर युद्ध, और ऑप्शन डी पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन डी कह रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर या विमान वाहक। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया, यह एक सर्वे विजल है जो सर्वेक्षण पोत है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो हाल ही में अभी लॉन्च किया गया और चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इट्स लेजर कम्युनिकेशन डिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन प्रक्षेपित किया। तो ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो ये इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और LCRD किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा के द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच स्टेट हैज अप्रूव टू इम्प्लीमेंट आत्मा निर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी है, आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम। तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रकार ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने जो है इसको हाल ही में अपने यहाँ लॉन्च करने का मंजूरी दी है, लागू करने की मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत जो है किसानों को, फार्मर्स को जो है सुदृढ़ किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, और जिससे उनके इनकम को दोगुना करने में हेल्प होगा। सिर्फ एक ही ये फैक्टर नहीं है, इस स्कीम से ही नहीं होगा, इसके अलावा उस फैक्टर में ये क्या है, एक फैक्टर है कि इसके द्वारा भी किसानों का इनकम क्या हो सकता है, दोगुना करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का
ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वेयर वाज द 22nd मिसाइल विजल स्क्वाड्रन किलर स्क्वाड्रन फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड। 22वें मिसाइल पोत स्क्वाड्रन किलर स्क्वाड्रन को औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित किया गया, मुंबई, विशाखापत्तनम, गोवा, कोची। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो मुंबई में उसको रिसेंटली क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कॉन्टिन्यूटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल टिल विच ईयर फ्रॉम 2021। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2021 से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन दिया है 2023, 2024, 2025 एंड 2030। ये आप कह सकते हैं 2030। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो पहले 2021 था उसको बढ़ाकर उसका ड्यूरेशन 2024 कर दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरियाज के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को कंप्लीट करने का जो लक्ष्य है अचीव करने का उसको 2024 कर दिया गया है 2021 से बढ़ाकर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू हैव लॉन्च्ड एन ईएसजी रिपोर्ट। ईएसजी रिपोर्ट का मतलब होता है इन्वायरमेंट, सोशल, एस का मतलब होता है सोशल और जी का मतलब होता है गवर्नेंस। तो इस प्रकार ईएसजी रिपोर्ट करने वाली या ईएसजी रिपोर्ट जारी करने वाली जो पहली एयरलाइन है, जो इस एयरलाइन है, ऑप्शन ए दिया है एयर इंडिया, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी इंडिगो और ऑप्शन डी विस्तारा। तो इस प्रकार इंडिगो के द्वारा जो है अभी रिसेंटली ईएसजी रिपोर्ट क्या किया गया, जारी किया गया। ईएसजी रिपोर्ट के अंतर्गत इन्वायरमेंटल इशूज को भी देखते हैं, सोशल, सामाजिक और गवर्नेंस, इन तीन चीज़ों को शामिल करके ईएसजी रिपोर्ट क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, जो हाल ही में इंडिगो के द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैथरीन रसेल हु हैज बीन सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज न्यू हेड ऑफ विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। हाल ही में खबरों में रही कैथरीन रसेल किस वैश्विक संस्था की नई प्रमुख बनी है। तो कैथरीन रसेल के बारे में पूछ रहा कि हाल ही में इनके नाम की चर्चा न्यूज में थी और ये कौन से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का हेड अपॉइंट की गई है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है यूनिसेफ और ऑप्शन डी है आईएमएफ। तो कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ की हेड बनी है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच इंडियन स्टेट हैज विटनेस्ड केसेज ऑफ कोविड डेंगू, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कोविड एंड डेंगू। किस भारतीय राज्य में कोविड 19 और डेंगू
दोनों के संयोजन से कोविड 19 के मामले देखे गए हैं। तो कहने का मतलब कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड और डेंगू दोनों को मिलाकर जो है मामले या रिपोर्ट को जारी किया है, तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो तेलंगाना ने हाल ही में डेंगू और कोविड 19 दोनों के मामले को मिला के जो है जांच की प्रक्रिया क्या करी गई है, स्टार्ट की गई है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है झिली डाला बेरा हु वन अ गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दलबेहरा किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन ए आर्चरी तीरंदाजी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन बी ऑप्शन सी वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलक और ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो झिल्ली दलबेहरा वह वेट लिफ्टिंग से जो है उनका संबंध है, वह वेट लिफ्टिंग या भारोत्तोलक स्पोर्ट को क्या करती हैं, खेलती हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मार्मोसा और एंडेमिक टू विच रीजन। मार्मोसा किस क्षेत्र के लिए स्थानिक है? अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। तो यह जो है अमेरिका के लिए क्या है, इसका संबंध किससे है, अमेरिका से। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द सार्क चार्टर वाज एडॉप्टेड इन विच सिटी ऑन दिसंबर 8, 1985। चूंकि सार्क जो है 1985 में बना, जो साउथ एशिया कंट्री को मिलाकर बनाया गया, तो ये कह रहा है कि किसने जो है उसके चार्टर को एडॉप्ट 8 दिसंबर 1985 को किया। तो ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी है काठमांडू और ऑप्शन डी है कोलंबो। तो ढाका ने क्या किया, एडॉप्ट किया उसको या अपनाया। और उसके अलावा जो सार्क है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय काठमांडू, कहाँ पे है, काठमांडू। ये कब बन के तैयार हुआ, ये कब इसको फाउंडेशन इसका किया गया, 1985 में। इसके अंतर्गत साउथ एशिया, साउथ एशियन कंट्री का एक ग्रुप बनाया गया जिसमें 8 कंट्रियाँ शामिल हैं और इन सभी कंट्रियों को मिलाकर एक आपस में एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट का क्या करना है, विकास करना है। इस उद्देश्य से ये क्या किया गया था, फॉर्म किया गया था। इस प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इज क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कॉमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। कॉमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका संबंध किससे है, अमेरिका से, यूएसए से इसका संबंध है कॉमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बक्सा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब चूंकि रिसेंटली न्यूज में रहा है ये रिजर्व,
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मेघालय। तो वेस्ट बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व क्या है स्थित है या पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फॉर सीमलेस एयर ट्रेवल ड्यूरिंग कोविड। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कोविड के दौरान निर्बाध हवाई यात्रा के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है। तो ऑप्शन में अगर आप आएंगे तो ऑप्शन में दिया गया है एयर सुविधा या ऑप्शन बी भारत ट्रेवल, ऑप्शन सी भारत सॉरी प्रधानमंत्री एविएशन, ऑप्शन डी वेलकम इंडिया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसके लिए जो पोर्टल स्टार्ट किया गया है एयर सुविधा, इसके अंतर्गत जो फैसिलिटी जो ट्रेवलर होते हैं जो लोग उसमें यात्रा करते हैं उनके फैसिलिटी को उनको उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो यह पोर्टल जारी किया गया है एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आइलैंड टेरिटरी ऑफ नो एरर कैलिडोनिया रिसेंटली वोटेड टू स्टे पार्ट ऑफ विच कंट्री। बिना किसी त्रुटि के द्वीप क्षेत्र कैलिडोनिया ने हाल ही में किस देश का हिस्सा रहने के लिए मतदान किया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है रशिया। तो फ्रांस का हिस्सा रहने के लिए कैलिडोनिया ने क्या किया है वोट किया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच सिटी हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस। किस शहर की सरकार पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया का पहली सरकार बन गई है। ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है दुबई, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है अबू धाबी। तो दुबई जो है पूरी तरीके से पेपरलेस गवर्नमेंट बन गई है, सरकार बन गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। धीरे धीरे विश्व के सभी कंट्रियां पेपरलेस वर्क की तरफ बढ़ेंगी। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट में या गवर्नेंस में या किसी भी चीज़ में पेपर का यूज कम से कम हो, जिससे अब आपको पता होगा कि पेपर बनते कैसे हैं। पेपर जो है ऊंट से बनते हैं और जब ऊंट का व्यापक स्तर पर कटाई होता है उससे जो है इकोलॉजिकल इनबैलेंस होता है या पारिस्थितिकी असंतुलन होता है जिसका सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो इस प्रकार अगर धीरे धीरे व्यवस्था पेपरलेस होगा तो पेड़ों की कटाई कम होगी, डिफॉरेस्ट्रेशन कम होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इन्वायरमेंट कैसा होगा बैलेंस होगा तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी कम दिखाई देगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी जो विश्व की पहली गवर्नमेंट बनी है पेपरलेस गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच कंट्री टॉप द एशियन पावर इंडेक्स फॉर 2021। 2021 के एशियाई पावर इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है रशिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यूएसए ने टॉप रैंक हासिल किया है एशियाई पावर इंडेक्स 2021 में। तो 24 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25।
25 कह रहा है विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज बीन नेम्ड बाय कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एज द 2022 एलुमनी अवार्ड विनर्स। कोलंबिया पत्रकारिता स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं में के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए पे अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है एन राम, ऑप्शन बी मालिनी पार्थ सारथी, ऑप्शन सी राजा मोहन, ऑप्शन डी सॉली जे सोराबजी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है मालिनी सार्थ पार्थी को जो है 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है द नुप्पीलाल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच स्टेट। नुप्पीलाल दिवस हर साल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम। तो यह जो है मणिपुर में मनाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO पैनल आस्क्ड विच कंट्री टू विड्रॉ इट्स सब्सिडीज इन द शुगर सेक्टर। विश्व व्यापार संगठन के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा है? तो इस प्रकार अगर आएंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दिया है भारत, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी चाइना। तो चीनी या शुगर के क्षेत्र में WTO के द्वारा सब्सिडी कम करने के लिए इंडिया को कहा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। जबकि WTO के बारे में अगर आप आएंगे तो WTO कब बना है 1995 में। WTO का काम ये है कि जब दो देशों के बीच व्यापार हो तो व्यापार फेयर हो, किसी प्रकार का इनसाइडर ट्रेडिंग न हो और व्यापार या ट्रेड में किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं हो। व्यापार कैसा हो, एक देश से दूसरे देश के बीच फ्री हो, विदाउट बाउंडेशन हो। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो WTO में, अगर WTO का मॉनिटरिंग करने का कार्य ये है ट्रेड से संबंधित मामलों में, अगर दो देशों के बीच किसी प्रकार का फेयर व्यापार नहीं होता तो वैसे मामलों में शिकायत कहाँ पर जारी किया जा सकता है? WTO इस मामले की देखरेख WTO करेगा जो 1995 में जो है बना है। इस प्रकार ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। इसको हाल ही में शुगर के क्षेत्र में सब्सिडी को कम करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच कंट्री होस्टेड द 8th इंडियन ओशियन डायलॉग रिसेंटली। हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की? श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, फिलीपींस। तो इंडिया ने 8वें हिंद महासागर या इंडियन ओशियन डायलॉग का जो है मेजबानी किया, होस्ट किया। इस प्रकार 28 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है मनोहरी गोल्टी विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। खबरों में रही मनोहरी गोल्ड चाय का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? केरल, तमिलनाडु, असम, वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार मनोहरी गोल्ड चाय जो ब्रांड है उसका संबंध असम से है, जो हाल ही में रिसेंटली न्यूज में था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस प्रकार पिछले वीक से संबंधित जो भी इश्यूज घटनाएं घटी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराया। तो आज के वीक में इतना ही। आप लोग इस करंट अफेयर्स के वीडियो को देखें, इस क्वेश्चन सेशन में शामिल हों और उसके अलावा ये जो भी टॉपिक्स कराए जा रहे हैं इस टॉपिक्स को एक बार
आप जरूर पढ़ें करंट अफेयर्स के अंतर्गत, क्योंकि इससे संबंधित और भी जो फैक्ट्स हैं इससे आपको जानकारी हो, अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अपने एग्जाम में बनाने के स्तर पे पहुँच जाए। तो थैंक यू एंड जय हिंद। जहाँ बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।